आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, 3 सातिर आरोपी गिरफ्तार। कई राज्यों के 28 चोरी के एटीएम कार्ड बरामद। भदोही जिले के गोपीगंज से पुलिस ने एक ऐसे एटीएम फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है जिसका एक सदस्य सिर पर विग लगाकर अपना भेष बदलता है और फिर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देता है। गैंग के सरगना सहित कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनके पास से कई राज्यों के 28 चोरी के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में यह लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ मुकदमों की भरमार है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक एटीएम पर पैसा निकालने के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बैंक उपभोक्ता के एटीएम कार्ड को चुराकर और पासवर्ड देखकर रुपए निकाल लिए थे। इसके अलावा जनपद के कई एटीएम मशीनों पर भी इसी तरह से उन्होंने मदद के बहाने लोगों से फ्रॉड किया था। इस गिरोह का एक सदस्य भेष बदलने के लिए विग का प्रयोग कर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देता रहा। एटीएम मशीन के पास से किया गया गिरफ्तार। इन सातिर अपराधियों के पास से 28 चोरी के एटीएम कार्ड, चोरी की एक मोटरसाइकिल, विभिन्न घटनाओं से अर्जित 21,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि भदोही जनपद के बैरी परवा निवासी विपुल सिंह, जौनपुर जिले के घनश्यामपुर निवासी पंकज खरवार और जौनपुर के ही रहने वाले घनश्यामपुर के सनी और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव तिराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने में 2 महिला कांस्टेबलों की मुख्य भूमिका। आरोपियों को गिरफ्तार करने में 2 महिला कांस्टेबल पूजा यादव और रोहिणी सेंगर ने मुख्य भूमिका निभाई है जिन्हें पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज सदानंद सिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार राय, उप निरीक्षक रमेश प्रताप सिंह, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, उप निरीक्षक सरफराज अहमद, महिला कांस्टेबल पूजा यादव, महिला कांस्टेबल रोहिणी सेंगर आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये थाना गोपीगंज की टीम ने एक उल्लेखनीय काम करते हुए एटीएम फ्रॉड करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इसमें पंकज, विपुल और सनी 3 लोगों को टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से जनपद भदोही के और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के और महाराष्ट्र और गुजरात में जो ये फ्रॉड करते थे उसके चोरी के एटीएम इनके पास बरामद हुए हैं। इसके अलावा चोरी की एक मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है। ये लोग जो भोले भाले लोग एटीएम का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से नहीं जानते, उनकी मदद करने के बहाने उनका जो एटीएम पिन नंबर होता था उसको देख लेते थे और देखने के बाद उसी समय वो एटीएम उनसे बदल लेते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर उस एटीएम से जो पैसा होता था उसको निकाल लेते थे। ये जो अभियुक्त हैं इनके बारे में शिकायत मिलने पे इनका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया था और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी गोपीगंज मनोज राय और जो हमारी 2 महिला कांस्टेबल हैं पूजा यादव और रोहिणी सेनगर, इनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके लिए इनको प्रशस्ति पत्र भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। इसमें एक जो पंकज है वो भेष बदलने के लिए विग का भी इस्तेमाल करता था ताकि पहचान में ना आए। विग बरामद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।